दिक्कत तो नहीं मिलने में सर, बस पापा ना पापा एक बार बोल के यहाँ चले जाओ क्योंकि सर पापा के प्रेशर की हालत बड़ा है। डेट करा देंगे सब सारा काम करा देंगे यहाँ तक टीचिंग में का बात सबका काम सौ परसेंट गेट करा पेट करा करा देंगे कैसे मिला हमारी इसी लिए कह रहे हैं हमारे सारे के लोग बोल पूरी करेंगे क्या जरूरत है किसी के और उसके बाद हम क्या करते हैं ज्यादा साल में दो तीन बार मिलते हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता तीन बार में क्या हो जाएगा कुछ नहीं हो जाएगा कुछ जैसे क्या पिछले गुजार है कुछ नहीं होता नहीं सर इसलिए बोले सोच रहे थे कि पूछ ले क्या किस लिए सब बुला रहे हैं नहीं हमने कभी अब तक किसी ने टच नहीं किया है नहीं सर बिल्कुल अनटच हो यस सर सर कुछ कह रहे हैं किसी के साथ करना है यस कुछ मेरे साथ ठीक पक्का जो चाहो वो करना है यस वो करेंगे ठीक है सर और किसी से रिलेशन मत रखना पड़ेगा यस सर कोई डर नहीं है हमारे साथ होगी तमाम दवाइयाँ आती हैं सब कुछ वही है गड़बड़ नहीं होगा सुरक्षित रहेगा बोलो अरे तो तुम्हारी इच्छा है कि मेरी किसी को तो बोलो यस सर मम्मी मेरे साथ सर अभी ये सर कभी सोचा नहीं यस सर कभी उसको नहीं करेंगे बस ऊपर से वैसे किस करेंगे आज मैंने बहुत मानता है लड़कियों कटा दे तो दे दो सर ऐसे अभी नहीं सर किस लड़की बस आ रही सर कुमार सिंह बताओ हमारा भारतीय संविधान और कानून जब प्रक्रिया यही है जी उसमें हम आप क्या कर सकते तो सर कॉलेज यहाँ के जो यहाँ का प्रबंधक यहाँ के प्रबंधक कॉलेज कमेटी का अधिकार है कि नहीं है मैं कोई बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति जब भी ऐसी स्थिति किसी शिक्षक के द्वारा किसी महिला के द्वारा कहीं भी होती है उसमें दो प्रक्रिया निर्मल का साहब ने दिन दहाड़े सारे एविडेंस उसके पास थे भारत सरकार ने 8 साल तक 10 साल तक बिरयानी खिलाई तब फांसी हुई कि सरकार ऐसी थी सुनिए मैं सब वैसी सरकार नहीं थी कानून की प्रक्रिया हमारे यहाँ एक हमको काले शासन को ये मत बोलिए सर प्लानिंग है सर वो बंदा बोल रहा है मुझे कोई प्लानिंग नहीं होगी पहले FIR करो ये ठीक है सर किससे FIR करवाए जो पीडीएफ जो पीडीएफ आपने कहा ना अब ये बताइए कौन सी लड़की के साथ अगर होगा उसकी शादी विवाह करना है चाहे मेरी बहन हो चाहे किसी की हो सकता है वो प्लान के तहत जो है वो कराया गया जब हमारे साथ कार्रवाई हुई तो सर सबके साथ कार्रवाई होनी चाहिए मेरी बात हमारे साथ तो आप छोड़िए आप सर आप हम लोग को बता दिए प्रबंधक जी बुला दे हम लोग नहीं बात कर ले जब आपके हाथ में बात ही खत्म नहीं देखिए जो हमने जो लीगल कार्रवाई थी जिस तरीके से पुलिस विभाग के लोग समय जब ऑफिशियल वर्चुअली ऑफिशियल कोई भी चीज इस तरह का स्टेटमेंट मैं कभी जात धर्म सर आप बस ये बताइए कदम क्या उठा लखनऊ से हमारे पास फ़ोन आया था किसी जर्नलिस्ट का उन्होंने एक वीडियो भेजा कल शाम को उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने हमसे सवाल पूछा कि क्या ये वो हमारे एक शिक्षक और किसी महिला अपनी छात्रा से कुछ अश्लील वार्ता का जिक्र उस वीडियो में है तो हमने उस वीडियो को देखा तो उस वार्ता में जो वीडियो में जो शिक्षक दिखाई दे रहे हैं वो प्राचीन इतिहास विभाग के हमारे जो प्रभारी हैं डॉक्टर प्रदीप सिंह जी वो दिखाई दे रहे हैं किसी छात्रा या महिला का जो उसमें सिर्फ आवाज़ आ रही है और किसी का फेस नहीं आ रहा है वार्ता जो बड़ी ही अश्लील और अनैतिक किस्म की है जो बड़ी शर्मनाक है
प्रथम दृष्टया उसी वीडियो का थोड़ा संज्ञान लेते हुए हमने डॉक्टर प्रदीप सिंह जी को ईमेल के माध्यम से, कॉलेज के ईमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी कर दिया है और माननीय प्रबंधक जी को सूचना दे दी है इसके लिए, और ताकि वो अपना स्पष्टीकरण दो से तीन दिनों का हमको अवसर दिया हमने, अपना स्पष्टीकरण दें, तत्पश्चात उस पर जो भी होगा माननीय प्रबंधक जी के निर्देश के अनुसार जो विधिक कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। ये बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, कभी इस तरह के दाग नहीं लगे इस पर। जौनपुर का इकलौता कॉलेज है प्रतिष्ठित, इस तरह के सम्मान। देखिए, शिक्षा का मंदिर है, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है और हमारा जो महाविद्यालय है इस पूर्वांचल का गौरव माना जाता है। निश्चित रूप से जो क्रियाकलाप किए गए हैं वो अशोभनीय है, लेकिन चूँकि कभी चीज़ें ऐसी हो गई हैं तो इसमें जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है माननीय प्रबंधक जी के निर्देश के अनुसार की जाएगी। छात्रा सामने आई है? अभी तक छात्रा का कोई न तो नाम मेरे पास आया है, ना ही कोई लिखित शिकायत हमारे पास आई है। सर, कोई शिकायत किया उस छात्र? नहीं, हमारे पास इस प्रकार से कोई सूचना नहीं है। अगर शिकायत नहीं मिलती तो कैसे कार्रवाई करेंगे? देखिए, वीडियो को प्रथम दृष्टया हमने जो स्वतः संज्ञान लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है, और चूंकि हमारा चूंकि सेमी गवर्नमेंट का कॉलेज होता है, इसमें तमाम निर्णय जो होते हैं हमारे नियुक्तिकर्ता जो होते हैं माननीय प्रबंधक जी होते हैं, और माननीय प्रबंधक जी के निर्देश के अनुरूप ही अब आगे कार्रवाई की जाएगी इस पर। अंतिम कौन टीचर थे किस विभाग के थे? कुछ हाँ, डॉक्टर प्रदीप सिंह जी हैं का चेहरा उसमें दिखाई दे रहा है, जो प्राथमिक इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष, अब तो उसमें विभाग प्रभारी का पद आ गया है, वो विभाग प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा है। आप उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया कुछ उनका पछाया भी? देखिए, अभी तक हमने व्यक्तिगत रूप से उनसे साधने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जो हमने स्पष्टीकरण है उनके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के कॉलेज के ग्रुप से जो माध्यम हमारे पास है, उनके ईमेल आईडी कॉलेज के द्वारा उनसे सूचना स्पष्टीकरण के लिए मांग की गई है। अंतिम कार्रवाई सर क्या होगी इसमें? अंततः कार्रवाई क्या हो सकती है अगर इस तरह की हरकत की गई तो? सर, देखिए, ये मामला बड़ा ही जघन्य, शर्मनाक और ख़राब है। अब चूंकि अंतिम कार्रवाई का अधिकार उसमें हमारे माननीय प्रबंधक जी को ही होता है, और उसमें उनका जो भी दिशा निर्देश होगा उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। मानते हैं सर निलंबित किया जा सकते हैं इस मामले को लेकर? चूंकि निलंबन का अधिकार माननीय प्रबंधक जी के पास ही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी महिला या किसी अन्य से बात करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें कुछ बातें अश्लील हैं। ये पुलिस की नॉलेज में आया, इस संबंध में हम लोग टीडी कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनसे भी बात की, तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने तत्काल इस पे जो है जो प्रोफेसर प्रदीप सिंह जी हैं उनका दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा है, और पुलिस के द्वारा इस वीडियो की जांच की जा रही है, इसकी प्रमाणिकता तथा इसके स्रोत के बारे में जांच की जा रही है। कोई कार्रवाई सर पुलिस की वजह पुलिस की तरफ से कोई शिकायत मिला? अभी ऐसी कोई प्रेमपाजी शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जो हमको वीडियो मिला है अति गंभीर और संवेदनशील है, इस संबंध में वीडियो की प्रमाणिकता और स्रोत के बारे में जानकारी थी। कोई शिकायत अगर पुलिस को नहीं मिलती है तो क्या सर पुलिस स्वयं अटेंड करेगी? हाँ, जैसे ही पता चलेगा इसकी मतलब प्रमाणिकता क्या है उसके संबंध में जो विधिक कार्रवाई होगी।